स्थिरचरणिकरा व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगास्तविष्टान् पुनरभीषणसद्भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरमो मायया भोजयन्नो माया संख्यातुलीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के आगम प्रकरण को विचार करते हुए अभी हम लोग आगम प्रकरण के दिव्य कालिका है। दिव्य कालिका क्या है? दक्षिणाक्षी मुखे विश्वम भिन्नांतस्तु तैजस आकाशे च भिन्नि प्राज्ञ त्रिधादेहि व्यवस्थितम्। ठीक है ना? छठा द्वितीय कालिका है। दक्षिणाक्ष में बैठ करके विश्व व्यवहार करते हैं और तेजस मन में बैठ करके व्यवहार करते हैं, हृदय आकाश में प्राज्ञ व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से एक ही तत्व इस शरीर में आप समझ सकते हैं। संपन्न समझने के लिए आपको जागृत अवस्था चाहिए, तो जागृत अवस्था में कैसे हम सुषुप्ति के आनंद दे सकते हैं उसको समझाती है भगवान वाचुराय बता रहे हैं कि आप जो है जागृत कालीन जो हमारा व्यापार होता है इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा व्यापार होता है। स्वप्नकालीन व्यापार में केवल मन काम करते हैं, इंद्रिय स्थूल शरीर वहाँ से व्यक्त हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय और मन सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों चला जाता है, केवल प्राण सूक्ष्म शरीर में केवल मतलब प्राण व्यवहार करता है। और प्राण में एक धर्म कॉमन है कि प्रसव भी, और इसी प्राण को समष्टि में अध्यात्मिक के साथ कहा गया है ना। यहाँ पे आध्यात्मिक और आधिदैविक में एकत्व को पहले सिद्ध करके दिखाया और यही जो प्राण जो है यहाँ पे व्यष्टि में समझ में आता है, जिसमें मतलब जागृत और स्वप्न के बीच भरा हुआ है, ठीक वहीं से निकल के आता है। प्रलय में भी यही अव्यक्त में हर चीज जो वहाँ पे निबद्ध रहता है वहीं से निकल करके आता है। तो प्राण शब्द में अव्यक्त में प्रसिद्ध तो नहीं है, तब ऐसा शंका उठा कर कहते हैं नहीं उपनिषद में देखिए व्यापक सामान्य अन्य दर्शनों में तो नहीं है, उपनिषद में परमात्मा को भी प्राण शब्द के द्वारा कहा गया है। अतएव प्राण यहाँ पे दृष्टांत दिया है चांदो को, प्राण बंधन में सौम्य मन है ना, प्राण बंधन में सौम्य मन यहाँ पे प्राण शब्द के द्वारा इस चांदो को षष्ठ अध्याय में जो पहले कहा गया था सदैव सौम्य एकदम अग्रहसी जो सत्य वही कहा जा रहा है। हाँ सत को कहा जा रहा है वहाँ पे तो निर्विशेष ब्रह्म की ज्ञान, आप स्विशेष बीज वाला कैसे कह रहे हो? वो तो सत को कह करके वहाँ पे स्विशेष इसलिए है क्योंकि वहाँ से सृष्टि दिखा रहे हैं और फिर वो निर्विशेष है क्योंकि उसी के ज्ञान से मुक्त भी हो रहा है स्वात्मा तत्व में से। इस प्रकार से एक ही शब्द प्रयोग किया वहाँ पे सृष्टि प्रकरण के समय हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे बीज सहित है और जब ज्ञान होगा तो बीज नाश करके ज्ञान होगा। ये जो अज्ञान का बीज है, ये अज्ञान का बीज है कैसे पता लगेगा? जो ज्ञान बाह्य है जो ज्ञान नष्ट है वो कैसे पता लगेगा? उसको लेकर के कल दिखा रहे थे हमको व्यवहार करते हुए पेज 36 में, ठीक है ना। वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है अज्ञोहम, मैं अज्ञान हूँ मैं नहीं जानता हूँ, सभी व्यक्ति बोलते हैं। इसलिए अज्ञान और परोक्षम अज्ञान तो हमको समझ में आता है, अग्रहणम च ग्रहण प्राग अभाव से अग्रहण मतलब नहीं जानना, नहीं जानना मतलब ज्ञान की जो प्राग अभाव किसी वस्तु संबंधित ज्ञान की प्राग अभाव है ना, न अपरोक्षतम ये आप तो विषय के द्वारा नहीं जान सकते हैं क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है परंतु अनुभव में आता है, ठीक है ना। अनुपलब्धि गम्य तथा हमें ज्ञान नहीं है ऐसा समझ माने का भ्रांति तथा संस्कार अभाव इतर का जो भ्रांति और भ्रांति का जो संस्कार है मैं मनुष्य हूँ और उस मनुष्य के संस्कार से लेकर के व्यवहार करना वो क्या होता है कि ये कोई ना कोई आपका उपादान कारण होना चाहिए, अभावात्मक उपादान से नहीं हो सकता, भावात्मक उपादान से ही व्यवहार होता है। ये भावात्मक कोई एक वस्तु है जो विद्या विरोधी है, भावात्मक कोई वस्तु जो विद्या विरोधी है उसको उसको सिद्धि होता है, उससे ही सिद्ध होता है, वही अज्ञान है और जिसको नाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यानी कि ये बीज है, उस बीज कहाँ से सुनकर घूम गया था प्राण बीज से जुड़ा हुआ, ये कैसे बोल रहे हो आप? और अब बीज एक है अज्ञान, अज्ञान को ही बीज रूप में यहाँ पे कहा जा रहा है। इसीलिए आप बोलते हैं केवल अतत हेतु तक केवल आत्मा उस अज्ञान को नाश नहीं कर सकता है,
खाना व्यवहार के हेतु होता है, वही बीज के साथ ही वो जो व्यवहार के लिए हेतु बनता है। इसीलिए वहाँ पे उसको उपादान के रूप में, मतलब अज्ञानी के रूप में जो हम व्यवहार करते हैं, अथवा जो भ्रांति व्यवहार करते हैं, उसको उपादान के रूप में कोई एक वस्तु चाहिए, वो हो गया अज्ञान। और वो किस होता है, ज्ञान के द्वारा वो जल जाता है। इसको समझाने के लिए हमारे आनंद गिरि जी ने एक अनुमान दिए थे। अनुमान क्या है, देवदत्त प्रमाण, देवदत्त संबंधित जो ज्ञान है ना, वो क्या करता है, ये हो गया पक्ष, ठीक। तन्निष्ठ प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि प्रत्यंशिनी, जितना ज्ञान उनके पास है, तन्निष्ठ जो प्रमा है, तन्निष्ठ अप्रमा, ठीक है, मतलब अज्ञान। देवदत्त निष्ठ जो अज्ञान, मतलब किसी विषय संबंधित जो अज्ञान के, जो ज्ञान की प्राग अभाव बोलते हैं, बोलते हैं कि अज्ञान प्राग अभाव अतिरिक्त, जितना वस्तु का ज्ञान आपको है उससे अतिरिक्त तो कोई वस्तु के अज्ञान वहाँ पे विद्यमान है, कोई अतिरिक्त तो वो क्या है, अनादि है, अप्रत्यंश। क्या करते हैं हम, क्या देखते हैं, किसी वस्तु संबंधित ज्ञान हमें तो वस्तु संबंधित अज्ञान को नाश करते हैं, और वस्तु संबंधित जो अज्ञान था वो अज्ञान कब से, अनादि से आ रहा है। इसी वस्तु संबंधित जो ज्ञान, अज्ञान हमारे पास है, जब से मैं नहीं जानता हूँ, कब से जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, परंतु तब वस्तु के ज्ञान होने से वो अज्ञान नाश हो जाता है। तो देवदत्त निष्ठ प्रमा, देवदत्त निष्ठ, जिस चीज वस्तु के अज्ञान है उस वस्तु का ज्ञान होने पर उसको नाश कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया साध्य, ये हो गया साध्य। इसलिए अनादि अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी प्रमा, उसके अनादि कोई अज्ञान है उसका नाश करने वाले होगा प्रमात्वा, वे प्रमा होने के कारण, प्रमा क्या हो गया, किसी भी वस्तु के ज्ञान तब वस्तु संबंधित अज्ञान को नाश करते हैं, सामान्य है। ये हो गया आपका हेतु। अब दृष्टान्त तो क्या हो गया, यज्ञदत्त प्रमावत, तो कोई यज्ञदत्त में जैसे कोई वस्तु के अज्ञान था वो उसका ज्ञान हुआ तो क्या हो गया, तब वस्तु संबंधित अज्ञान उसका नाश हो गया यज्ञदत्त। अब यहाँ पे क्या बोला, महाविद्या अनुमान है। इस महाविद्या अनुमान में दृष्टांत में साध्यों को बैठाने समय एक प्रकार से बैठाएंगे, और पक्षों में साध्यों को बैठाते समय दूसरी प्रकार से समझाएंगे, इसलिए इसको महाविद्या अनुमान बोलते हैं। दृष्टांत में बैठाने के लिए क्या कर गया, यज्ञदत्त में जिस जिस वस्तु संबंधित अज्ञान है उस वस्तु संबंधित ज्ञान से उसका अज्ञान नाश हो गया, ये दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं। परंतु जब हम उसको देवदत्त में बैठाएंगे, उसको पक्ष बनाए, वहाँ पे क्या, जिस जिस वस्तु संबंधित ज्ञान है उससे भिन्न एक अज्ञान, स्वरूप संबंधित अज्ञान है, तो स्वरूप संबंधित ज्ञान से नाश होगा, क्योंकि जिस वस्तु संबंधित ज्ञान है तत् संबंधित अज्ञान को नाश करते हैं, ये देखा। इसलिए अब क्या हुआ, दृष्टांतों में तो सामान्य अर्थ में समस्त किसी भी वस्तु के अज्ञान तथा वस्तु के ज्ञान के द्वारा नाश है, ये यज्ञदत्त प्रमा में दिखाए। देवदत्त प्रमा में दिखाने समय क्या करते हैं, वो जितना वस्तु संबंधित वो उसका मूल अज्ञान को नाश नहीं कर सकता, उसके लिए हमको ज्ञान चाहिए, यानी कि एक मूल अज्ञान है उसको सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध हो जाएगा, कि तन्निष्ठ प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त, जितना ज्ञान है उससे अतिरिक्त तो एक अज्ञान है, उससे अतिरिक्त तो एक सामान्य अज्ञान है जो क्या होता है, अनादि है, अप्रध्वंसी है, और जो जिस जिस वस्तु संबंधित उसका अज्ञान है वो तत् वस्तु संबंधित ज्ञान से नाश होता है, यह हमें देखा। तो आत्मस्वरूप संबंधित अज्ञान आत्मज्ञान से नाश होता है, सिद्ध होगा देवदत्त। यह फिर से बोलते हैं, देवदत्त प्रमा तन्निष्ठ अप्रमा, मतलब अज्ञान प्राग अभाव, ठीक है ना, अज्ञान ज्ञान की प्राग अभाव, जिस वस्तु संबंधित ज्ञान की प्राग अभाव आपके है उस वस्तु संबंधित ज्ञान से उस वस्तु की अज्ञान मिट जाती है, ठीक है। अब ये जो ज्ञान क्या होता है कि अज्ञान क्या होता है, अनादि भी है और नाशवान भी है, तो नाश किससे होता है, प्रमा के द्वारा नाश होता है। इसीलिए वहाँ पे कोई बीज रूप में अज्ञान, सामान्य अज्ञान विद्यमान है जिसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। प्रश्न होता है बीज आपने कहाँ से लाया, बोलते हैं बीज की सद्भाव हमको दिखाई पड़ता है, और वहाँ उसके लिए सत शब्द प्रयोग किया गया जिसमें हमें प्राण शब्द की तरह कहा गया है, उस सत को ही रेफर करता है। वहाँ पे सत क्या है, दोनों का बोधक है, मतलब बीज सहित अज्ञान बीज, मतलब माया उपहित चेतन का भी बोधक है सृष्टि की कर्ता के रूप में, और उसी से निर्विशेष, मतलब माया का छोटो निर्विशेष का भी बोध होता है। आप जब जागृत काल में बैठ करके आपको क्या करना पड़ेगा, माया की सारा कार्यों को धीरे 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 निषेध करना पड़ेगा, और तो क्या हो जाएगा, स्वरूप संबंधित बोध उससे हो जाता है, वही ज्ञान है। इसीलिए आप बोलते हैं देवदत्त प्रमा, देवदत्त संबंधित जो ज्ञान है ना, तन्निष्ठ मतलब देवदत्त निष्ठ अप्रमा प्राग अभाव, अज्ञान के जो प्राग, किसी वस्तु संबंधित जो अज्ञान उसका जो प्राग अभाव है ना उद्गम, उससे अतिरिक्त कोई एक सामान्य अज्ञान है जो अनादि भी है नाशवान भी है ना, क्योंकि वो प्रमा है,
जो भी ज्ञान होता है वो तद वस्तु संबंध अज्ञान को नाश करता है, जैसे जगदत्त की उपमा में। यहाँ पे क्या हो गया कि दृष्टांत में बैठाते समय किसी भी वस्तु संबंधित अज्ञान को लेकर कब कहेंगे, और पक्ष में बैठाते समय क्या करेंगे, मूल अज्ञान को लेकर दिखाएंगे, मूल अज्ञान को लेकर के। इतना ही मात्र इसमें कठिन है। आगे देखिए, यहाँ तक हमारा काल का पाठ हो गया था। न तद अभावे सम्म ज्ञान अर्थवत्तम, ठीक है ना, कि तद अभावे मतलब अज्ञान अभावे, अज्ञान अभावे सम्म ज्ञान अर्थवत्तम न भवती, ठीक है, कैसे हम करेंगे इसको। तद अभावे मतलब एक बीज रूप सामान्य अज्ञान, मूल अज्ञान, बीज रूप मूल अज्ञान के अभाव होने पर ये सम्म ज्ञान का कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगा। न तद अभाव, तद अभाव मतलब मूल अज्ञान के अभाव में, बीजात्मक मूल अज्ञान के अभाव में सम्मक ज्ञान अर्थवत्तम न भवती, सम्मक ज्ञान अर्थशाली नहीं होता, यानी सम्मक ज्ञान के साथ प्रपूर्ण है, इसलिए वहां पे कोई एक मूल अज्ञान है ऐसा आपको मानना है। अच्छा, फिर आगे क्या बोलते हैं, क्षणिकत्वेन भ्रांतेर तद निवर्तकत्वात् तद संस्कारस्य च सत्यत्व सम्मज्ञान कचित अनुवृत्ति दर्शना न च अग्रहणस्य तद निवर्तकत्वम्। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भ्रांत अन्यथा ग्रहण जो होता है, भ्रांति ग्रहण है, हमारे पास तो फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, उससे अज्ञान मिट जाएगा, बोलता है वो उसको मिटाने वाला नहीं होता है, कि वो कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, और अलग अलग वस्तु का अलग अलग ज्ञान है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्षणिकत्ते न, मतलब कुछ देर के लिए रहने वाला जो भ्रांति ज्ञान होता है, जिसके भ्रांति ज्ञान बोलते हैं, वो उस मूल अज्ञान का निवर्तक नहीं है, अपने स्वरूप संगत अज्ञान का निवर्तक नहीं है। क्षणिकत्ते न भ्रांति तौर अनिवर्तकत्व उसका निवर्तन नहीं कर सकता है। दूसरी बात क्या है, वो जो भ्रांति ज्ञान के जो संस्कार है ना, सत्य सम्मक ज्ञान है, सत्य सम्मक ज्ञान है, मतलब सम्मक ज्ञान मतलब क्या, आत्मज्ञान। अब मान लीजिए ज्ञानी पुरुष, ठीक है ना, एक ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान हो गया, तो पहले किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई देगी, जैसे हमारे स्वामी रामतीर्थ थे, रामतीर्थ के नाम सुने होंगे, लाहौर में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद उनको संन्यास लेने का अच्छा मतलब ज्ञानी पुरुष थे, तो क्या वो मैथमेटिक्स भूल गया था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए क्षणिकत्वेन तद निवर्तकत्वात् संस्कारस्य, वो जो हमारा भ्रांति ज्ञान का संस्कार है ना, सत्यत्व सम्मक ज्ञान है, सम्मक ज्ञान होने पर भी कचित अनुवृत्ति दर्शन, कहीं पर उसका अनुवृत्ति भी दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए वो हमारा मूल अज्ञान का नाशक नहीं है, कि वो फिर भ्रांति ज्ञान हमको के काम करता है, मैं ये जानता था तो ये हुआ था, ये भाव आता है ना, इसलिए वो मूल अज्ञान का नाशक नहीं है। न जो अग्रहणस्य, अग्रहण मतलब अज्ञान, अग्रहण अन्यथाग्रहण, अज्ञान और जो है भ्रांति ज्ञान, अज्ञान से भ्रांति ज्ञान होते हैं, अग्रहण मतलब अज्ञान और अन्यथा मतलब भ्रांति ज्ञान, ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहे हैं। अब अग्रहण ही अग्रहण का मिटाई बोलते हो ही नहीं सकते, ये ग्रहण अग्रहण को मिटाते हैं, ज्ञान अज्ञान को मिटाते हैं, अज्ञान अज्ञान को नहीं मिटा सकते, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि एक आप पूरा देखिए पंक्ति को, क्षणिकत्वेन भ्रांतेर तद अनिवर्तकत्व, एक हो गया पंचमी, क्षणिक होने के कारण जो भ्रांति ज्ञान है वो मूल अज्ञान को नाश नहीं कर सकता है। तद विपरीत तद संस्कारस्य, भ्रांति ज्ञान का संस्कार है, सत्य सम्मक ज्ञान, सम्मक ज्ञान रहने पर भी कठिन अनुवृत्ति दर्शन, कहीं कहीं कभी कभी उसका अनुवृत्ति भी दिखाई पड़ता है, यानी कि पूरा नाश नहीं होता, अनुवृत्ति दिखाई पड़ता है, एक। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, न जो अग्रहणस्य तद निवर्तकत्व, एक हो गया अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, अग्रहण मतलब अज्ञान, अज्ञान ही अज्ञान का मिटाएगा ऐसा मान लिया बोलते तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए क्या हो जाएगा, ज्ञानस्य तद निवृत्तित्व, ज्ञान से ही अज्ञान का निवृत्ति होता है, ठीक है, ठीक है ना, ज्ञानस्य, ज्ञान का ही, ज्ञान में ही अज्ञान का निवर्तक रूप धर्म बैठा हुआ है, इसलिए बोलते हैं ज्ञानस्य तद निवृत्तित्व। अत ज्ञानदायी हम, वो भाष्यकार की पंक्ति, ज्ञानदायी हम बीज अभावे, ज्ञानदायी हम संसार बीज भूतम, ज्ञान के द्वारा नाश होने योग्य और जो संसार का बीज रूप है, संसार का बीज रूप है, कौन, अनादि अज्ञान मूल अज्ञान, उसी से संसार दिखाई पड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं ज्ञान। और उसका दूसरा विषय क्या दिया, ये अनादि होते कि शांत है, ज्ञानदायी है, ज्ञान के तरह जल जाते, इसलिए बोलते हैं अतः, इसलिए ज्ञानदायी हम संसार बीज भूतम अनादि अनिर्वचम अज्ञानम, अज्ञान का दो परिभाषा ये दिया, विशेषण दिया, एक हो गया अनादि और एक को अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय क्यों बोलते हैं, अनिर्वचनीय से क्या अभिप्राय है, हाँ सत अथवा असत रूप में जिसको निर्वचन नहीं किया जाता, अनिर्वचनीय मतलब उसको बोला नहीं जाता, ये बात नहीं है,
जिसको सत अथवा असत रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता है। वो सत होता तो कभी बाधित नहीं होता, यदि असत होता तो कभी दिखाई नहीं पड़ता, परंतु दिखाई भी पड़ते हैं बाधित भी होते हैं। इसलिए सत और असत दोनों रूप में इसको निर्वचन नहीं किया कर जाने के कारण इसको हम अनिर्वचनीय बोलते हैं, यानी इसलिए वेदांत देव को अनिर्वचनीय ख्याति बोलते हैं, अनिर्वचनीय ख्याति। इसलिए हमें बोलते हैं कि अतो ज्ञानदायी हम संसार बीज भूतम, इसलिए ज्ञान के द्वारा जलने योग्य जो संसार का बीज रूप जो अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान ज्ञान स्वर्थवत्ता है। मतलब शास्त्रों में बोलते हैं कि आत्मज्ञान के अभाव है, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। कस्मिन्नु भगव विज्ञान सर्वविदं विज्ञातं भवति उत्तम आदर्शम अप्राप्त। इसी प्रकार से कोई एक वस्तु को ज्ञान के लिए बार बार शास्त्र कहते हैं, उस वस्तु की ज्ञान क्या करते हैं उसकी अर्थशालिता के लिए, मतलब उस ज्ञान को लेकर तक सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा जिस वस्तु की ज्ञान होगा तद वस्तु संबंधित अज्ञान को नाश करेगा, यानी कि तद वस्तु संबंधित अज्ञान जो भी एक विद्यमान है, तभी जाकर के शास्त्र बार बार बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, तब तुम्हारा अज्ञान मतलब भ्रांति चली जाएगी। इसलिए आप बोलते हैं अत ज्ञानदायी हम संसार बीज भूतम अनादि अनिर्वचम अज्ञान ज्ञानस्य अर्थवत्ताय, ज्ञान की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए उसको आस्थेयम, उसमें आपका आस्था रखना चाहिए। कहाँ से घूम गया था, प्राण में अज्ञान का बीज है, इसको सिद्ध करने के लिए मतलब सृष्टि के बीच प्राण में है, प्रलय काल में ईश्वर में है, इसको सिद्ध करने के लिए आप वहां शब्द प्रयोग किया सर, परंतु क्या है कि सृष्टि के बीच सही भी शब्द प्रयोग करते हैं और परंतु उसके द्वारा लक्षित क्या होता है निर्विशेष बीज रहित अवस्था, बीज रहित अवस्था को आप समझाएंगे वहां पे। इसलिए बोला यहाँ पे क्या कि ज्ञान से तिवर्तत्व अत ज्ञान का ही संशय अन्न था तद अनर्थक प्रसंग, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ज्ञान की उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे मतलब ज्ञान के द्वारा जानने योग्य कोई अज्ञान नामक वस्तु बीज रूप में पे विद्यमान है, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ज्ञान की कोई उपयोगिता ही नहीं रहेगी। ज्ञान को इसलिए होता है अन्यथा तद अनर्थक को प्रसंगा दे दिया। इस प्रकार से शुद्धस्य ब्रह्मण वाक्य प्रकरणाभ्याम विवक्षितत्व अभावे फलितम आह, शुद्ध ब्रह्म का वाक्य से कौन सा वाक्य सदैव संविदम अग्रयासित और जो प्रकरण प्रमाण के बल में, वहां पर सृष्टि का प्रकरण है, इसलिए वाक्य और प्रमाण प्रकरण प्रमाण के बल से क्या हो गया शुद्धस्य ब्रह्मण विवक्षितत्व अभाव, मतलब शुद्ध ब्रह्म वहां पे उस शब्द में बोलना अभिप्राय नहीं है, वहां पे तो सृष्टि के बीच सहित बोलना अभिप्राय है। इसीलिए तंत्र क्षेत्र को तो बोलेगा तुम शुद्ध अज्ञान को प्राप्त हो, तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, मतलब वहां पे बीज है, इसलिए विवक्षितत्व अभावे फलितम आह। अब उसका निष्कर्ष क्या निकला कहते तस्मात, अब भाष्य में आ जाइए ऊपर फर्स्ट लाइन में, तस्मात स बीजत्व अभ्युपगमेन एव, मतलब इसलिए क्योंकि कोई एक बीज है जो ज्ञान के द्वारा जल जाते हैं, इसलिए उसके ज्ञान की अर्थवत्ता के लिए एक अज्ञान नामक बीज आपको मानना पड़ेगा। इसलिए अतस्मात स बीजत्व अभ्युपगमेन एव, प्राण में एक बीज है, सृष्टि की बीज है, प्रसव धर्मत्व है, इसलिए बोलते हैं तस्मात स बीजत्व अभ्युपगमेन एव, वो बीज सहित है, इस प्रकार मान्यता के साथ ही वहाँ पर सत शब्द का प्रयोग किया गया है और उसको प्राण शब्द के तरह उपदेश किया गया है। एव सत प्राणत्व व्यापदेश, उस सत को सत शब्द के द्वारा, और उसमें हमने क्या बोला उस पहले क्या बोल क्या था सदैव संविदम अग्रासित, बाद में क्या बोला प्राण बंधन विषम्य मन, उसी सत को ही वो कौन सा जिसमें सृष्टि के बीच छुपी हुई है उसी को वहां पे प्राण शब्द के द्वारा कहा गया है। इसी बात को लेकर के दुविधा शुरू हुई थी, वहां पे तो सत शब्द बोला, सत शब्द के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को क्यों नहीं ले सकते है, बोलते हैं ले सकते हैं, मतलब जब प्राण को बोलते हैं क्योंकि वहां पे निर्विशेष ब्रह्म उससे लक्षित होता है, और वाच्यार्थ में क्या होता है एक लक्ष्यार्थ है एक वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ इसको बोलेगा बीजात्मक जो ब्रह्म है उसको, और लक्ष्यार्थ इसको बोलेगा निर्विश को बोलेगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि सतह जो सत्य है उसका प्राणत्व व्यापदेश, उनमें प्राणत्व शब्द के प्राण शब्द के द्वारा कहा गया प्राणत्व धर्म है, मतलब प्राणत्व धर्म सभी पर क्या है सृष्टि के बीजत्व धर्म, सृष्टि की उत्पत्ति के धर्म है, ये हमें व्यापदेश किया गया। एवं सर्वश्रुति सूच कारणत्व व्यापदेश, समस्त श्रुतियों में इस प्रकार से बीज सहित ही ब्रह्म को सृष्टि के कारण के रूप में कहा गया है, समस्त श्रुतियों में बीज सहित ब्रह्म को सृष्टि के कारण के रूप में कहा गया है, जिसमें सर्वसूत्र से कारणत्व व्यापदेश। हम फिर टीका में आ जाइए, टीका का समझा रहे ब्रह्मण, ठीक है ना, कौन सा ब्रह्म सबलस्य है ना,
जो है कथा शक्ति संपन्न है एव प्राकरणी प्राकरणिकत्व है ना, जो प्रकरण उसके साथ अर्थित हुआ है ठक प्रत्यय पर प्राकरणिकत्व, पहले बनेगा प्राकरणिक, पहले बनेगा प्रकरण, प्रकरण के बाद बनेगा प्राकरणिक, प्रकरण से संबंध रखने वाला और उस धर्म प्राकरणिकत्व, समझ में आया, पहले बनेगा प्रकरण, प्रधातु क्रीज बनते हैं रूप प्रत्यय प्रकरण प्रतिष्ठ रूपी जहाँ पे कहा जाता है, फिर उसके साथ आप अर्थित किया प्राकरणिक मतलब प्रकरण से संबंध रखने वाला और वो धर्म, तो प्रत्यय का स्वभाव का तलु इसे बता प्राकरणिकत्वात् वाक्य अपि, इसलिए इस प्रकार सबल ब्रह्म यहाँ पे प्रकरण के विषय होने के कारण उस वाक्य में कौन वाक्य में प्राण बंधन विषम्य मन अथवा सदैव संवेद मंगला उस वाक्य भी तस्मिन प्राण शब्द उस वाक्य में वाक्य तस्मिन वाक्य अपि वाक्य शब्द में है तो तस्मिन के साथ उसका अन्वय होगा प्राण शब्द नहीं उक्तम वहाँ पे प्राण शब्द अथवा और शब्द वहाँ पे सत शब्द प्रयोग तस्मिन मतलब वहाँ पे संबंध सबल ब्रह्म मतलब बीच सहित सृष्टि के बीच सहित ब्रह्म में वहाँ पे सत शब्द प्राण शब्द ऐसा प्रयोग किया गया है सदैव संवेदम अग्रासित भी प्राण शब्द आदि से सत शब्द उक्तम प्राण शब्द से अव्यक्त विषयत्व इति भाव, इसलिए प्राण शब्द अव्यक्त से भिन्न नहीं है, जो अव्यक्त है उसको व्यष्टि में प्राण शब्द के द्वारा कहा गया है और जो समष्टि में उसको अव्यक्त शब्द के द्वारा कहा गया है, इसलिए ब्रह्मण सबलस्यैव प्राकरणिकत्व सबल ब्रह्म ही प्रकरण का विषय होने के कारण तस्मिन वाक्य अपि उस वाक्य में भी प्राण शब्द भी उक्ता उस मतलब उस प्रकरण में षष्ठ अध्याय में प्राण शब्द इस शब्द के द्वारा बीज सहित अज्ञान बीज सहित ब्रह्म के वहाँ पे कथन किया गया है, इसलिए प्राण शब्द से अव्यक्त विषय समिति भाव, इसलिए प्राण शब्द मतलब क्या हो गया सृष्टि का बीज जहाँ पे अव्यक्त रूप में रहता है वो कहना चाहता है, ये इसके अंदर भाव छुपा हुआ है। अब आगे और बोलते हैं यत अनादि अनिर्वच्य अज्ञान सबलस्य एव कारणत्वम्, अब क्योंकि इस प्रकार से अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान जो सबल ब्रह्म है शक्ति संपन्न ब्रह्म है वही कारण सृष्टि के कारण है बीज है, ठीक है ना, यत अनादि अनिर्वच्य अज्ञान सबलस्य एव सबलस्य ब्रह्म यहाँ पे अन्य होगा कारणत्वम् अनादि अनिर्वच्य अज्ञान सबलस्य ब्रह्मन, अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान की शक्ति से जो ब्रह्म है जुड़ा हुआ ब्रह्म उसमें कारणत्व धर्म बैठा है ना, यहाँ पे सबलस्य ब्रह्मन षष्ठी एकवचन इसमें कारणत्व आएगा, ये बोलने विवक्षते ही बोलना श्रुति की अभिप्राय है, कहना चाहती है श्रुति, अतएव कारणत्व निषेधेन परिशुद्धं ब्रह्म श्रुतिषु उपदिश्यते इति एव, इसीलिए क्या है उस श्रुति क्या करती है उस कारण भाग और कारण की जो कार्य है कारण कारण और कारण की जो कार्य है इसको निषेध करते हुए ही श्रुति शुद्ध ब्रह्म को उपदेश करती है, इसको निषेध करते हुए कारण और कारण का जो कार्य दिखाई पड़ता है इसको निषेध करते हुए ही श्रुति क्या है शुद्ध ब्रह्म को उपदेश करती है, यानी कि शुद्ध ब्रह्म सबल ब्रह्म अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान के साथ शक्ति प्राप्त करके जो ब्रह्म है उसको सत शब्द के द्वारा कहा गया है, फिर वहाँ पे निश्चय उसको निषेध करते कारण और कार्य भाव दोनों को निषेध करते हुए शुद्ध ब्रह्म को उपदेश करते हैं, हमें बोलते अतएव कारणत्व निषेधे नशी उसमें कारणता धर्म को निषेध करते हुए परिशुद्ध ब्रह्म शुद्ध मतलब निर्विशेष ब्रह्म परिशुद्ध ब्रह्म श्रुतिषु श्रुतियों में उपदेश किया जाता उपदेश को मन में रखते हुए बोलते हैं अतएव ऊपर अतएव अक्षरात् परतः परः कार्यकरण प्रक्रिया को आपको अच्छी तरह से समझना है, आपको सामने कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है दिखाई पड़ते हैं ठीक है, कोई जब कभी भी कोई कार्य दिखाई देगा उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही होगा, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता, जो कार्य दिखाई पड़ रहा है उसका कोई ना कोई कारण होगा पहले निश्चय हो गया। अब बोलते हैं श्रुति क्या बोलते हैं ये जो कार्यात्मक जगत जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना ये कोई पारमार्थिक परिणामात्मक वस्तु नहीं है, ये भ्रांति से प्रतीति होती है, ये भ्रांति से प्रतीति होती है, पहले परिणामवाद को लेकर के कार्यकरण अनंत धर्मों को दिखाते हैं और ये हमारा विवर्तवाद में भी क्योंकि अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होती, तो फल तो क्या हो गया आपने क्या किया कार्य को निषेध करते बोलते वाचारम्भन विकार अथवा वाता तो आदर्श नहीं रहती, अब क्या हो गया कार्य दिखाई पड़ रहा है कोई ना कोई एक कारण होगा ये निश्चय मतलब कोई एक वस्तु है, अब आपने कार्य को निषेध कर दिया
तब क्या हो गया, जिस वस्तु को कारण रूप में समझा रहे थे वो वस्तु है, परंतु वस्तु में कारणता नहीं है। तब क्या हो जाएगा, ये 5 स्टेप्स है वहां पे, कार्य दिखाई दे रहा है हाँ, तो क्या है कारण होगा हाँ, परंतु श्रुति क्या बात में बोलते हैं, कारण कार्य को निषेध करते हैं, कार्य को निषेध करने से कारण का निषेध नहीं हुआ, जिस वस्तु में कारणता दिखाई पड़ रहा है वो कारणता धर्म का निषेध हो गया। तब क्या होगा, शुद्ध ब्रह्म सिद्ध हो जाता है। जब ये तत्वमसि इसी प्रकरण में आगे आएगा तो वहां पर तत् शब्द से वो तत् सत्त्वमसि ऐसा बोलना चाहता है, तत् सत्तम से सजायेश ओषा, क्योंकि वहां पे क्या बोलते आगे, सजायेश अनिमा समंत, वो जो तत् पद के द्वारा जिसको कहा गया समंत, तो पहले सतेव स्वामी तुमने दमाग्रे आशित है उसी में कहा तत्त्वमसि बाद में हाँ। तत् सत्त्वमसि हाँ ठीक है, अब वो तत् सत्त्वमसि सत्त फिर वो ईश्वर को बोले ना ना वहाँ पे, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर के साथ जीव के एकत्व नहीं बोलना चाहता है, तो वहाँ पे तत् और तम दोनों की लक्षात्व को लेना पड़ेगा। तम से किसको लोगे तब, जब सतत तमसि तम शब्द का शेष कुछ का स्थूल शरीर दिखाई पड़ रहा है, उसमें तो एकत्व नहीं हो सकता, मैं तो परिचिन्न हूँ। यही तो विद्या के जो अर्जुन को शंका हुआ था, आप किस शरीर से बोले थे, ये जो मतलब क्या बोला वहाँ पे, मतलब सर्वज्ञत्व और परिच्छिन्नता के अभाव वहाँ पे दिखाना है, असर्वज्ञत्व अवज्ञत्व धर्म दिखाई पड़ता है कि हम इस शरीर से बोलेंगे तो हाँ पूर्व शरीर का हमें याद नहीं रहता है ना, यानी कि एक ऐसा तत्व है जो जिसके अंदर हर चीज की ज्ञान विद्यमान है, और कभी भी वाच्यार्थ में एकत्व नहीं है, लक्षार्थ में एकत्व है। तम शब्द का बच्चा हो गया शेष के पिंड, और तत्पद का बच्चा तो हो गया अब ये जो बीच शहीद ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयम, ये उस पे भी लागू होगा, सब जगह पे लागू होगा, मतलब यही हमारा मुख्य सिद्धांत है, यही तो हमारा मुख्य सिद्धांत है, एकमेव अद्वितीयम, मतलब यहाँ पे सजातीय विजातीय सगत भेद नहीं है, मतलब ईश्वर को मतलब ईश्वर और शुद्ध ब्रह्म दोनों को एक और अद्वितीय बोल सकते हैं, ठीक है नहीं, विशेषण ईश्वर तो एक है पर अद्वितीय नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बीज जो बैठा हुआ है, ईश्वर में माया बीज बैठा हुआ है, तो वहाँ पे स्वर्ग तो भेद है उसमें, अपने में रहने वाला हाँ स्वर्ग तो भेद है वहाँ पे, वहाँ पे अद्वितीय नहीं बोल सकते हैं, जैसे माया है वहीं स्वाद्वितीय हो गया, इसलिए एक में वो आप दीते हम केवल मतलब निर्विशेष में ही घटेगा वो। तो फिर जब शुरू में सदैव सौम्य बोला तो सत्य से फिर ईश्वर को बोल ही नहीं सकते वो, क्यों नहीं बोल सकता है, इतना देर पे इसी को समझा रहा, फिर आप घबरा रहे हैं, आपको सत शब्द के द्वारा बीज सहित ब्रह्म को दिखाते हुए फिर उसका लक्षण करके सदैव मतलब वो निर्विशेष को लक्षित करता है, सत शब्द के द्वारा ईश्वर को कहते हुए मतलब बीज को दिखाते हुए यही तो आप बोल रहे हैं, फिर उसके साथ दक्षिण क्या दिया, एकमेव अद्वितीयम, मतलब निश्चय निर्विशेष को समझो, कैसे नहीं तो सत शब्द बोल के श्रुति रुक जाती, सत शब्द बोल करके श्रुति रुकती नहीं है, मतलब ईश्वर के पीछे एक तत्व तो और है, सत शब्द से क्या दिया, सृष्टि की बीज सहित ब्रह्म सबल ब्रह्म है वो, परंतु उसका लक्षण क्या कर दिया, लक्ष्य उसके तरह समझना किसको है कि एक मतलब निषेध है, सजातीय विजातीय सगत भेद नहीं है, निषेधात्मक हुआ, ये निषेधात्मक मुख से निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादित हो जाती है, शब्द प्रयोग किया सत, उसका लक्षण जब बोला सत शब्द से बीज सहित ब्रह्म, तो लक्षण जब बोला निर्विशेष ब्रह्म उसमें एकत्व है, इसलिए तत्व इसलिए वहां पे क्या सतमसि नहीं बोला, सहज यश अनिमा ऐसा का तुम मित्र तुम सर वो जो सूक्ष्म भाव है जिसमें कोई भेद नहीं है वो स्वरूप तुम हो, वो स्वरूप तुम ऐसा बोल रहे श्रुतिमान, जब वहाँ भाष्य पूरा करेंगे इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ब्रह्म न सबलस्य एव प्राकरणिकत्वात् वाक्यपि तस्मिन् वाक्यपि प्राण शब्दादि उक्तम प्राण शब्दस्य अव्यक्त विषयत्वमिति भाव, इसलिए प्राण अव्यक्त विषय का है, यदि अनादि अनिर्वच्य अज्ञान सबलस्य एव कारणत्वं ब्रह्म न सबल ब्रह्म जो जगत के बीच के कारण ही पूर्ण स्थिति का विवक्षते अतएव कारणत्व निषेध न, देखिए कारण की निषेध कैसे किया, कार्य को जब निषेध कर दिया, अब कारण निषेध नहीं किया, कारणत्व निषेध किया, शब्द में ध्यान दीजिए, कारण को निषेध नहीं किया कारणत्व, कारण घट को निषेध नहीं किया घटत्व का निषेध कर दिया, यानी कि यही मैं बोला कि कार्य कारण प्रक्रिया का मुख्य चीज यही है, कार्य है तो कारण होगा बिल्कुल ठीक है, परंतु कार्य को निषेध कर दिया, कारण को निषेध कहीं नहीं किया, जिस वस्तु में कारणता दिखाई दे रहा था कारणता उसमें नहीं है, इसीलिए कारणत्व प्रतिषेधे ना
परिशुद्धम ब्रह्म श्रुति उपदिश्यते, परिशुद्ध ब्रह्म को श्रुति में उपदेश किया जाता है। तद एतद आहु, उसी में भगवान भाष्कर बोल रहे, देखिए, अतएव अक्षरात परतः परः, ये मुंडक उपनिषद बात है, यह अक्षरात परतो पर, मतलब क्या हो गया, एक है पर अक्षर, पर अक्षर कौन हो गया, ईश्वर, क्योंकि एक अक्षर हो गया हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से भी एक पर अक्षर है, कौन है, ईश्वर, और उससे भी पीछे है, अक्षरात परत अक्षरात पर, केवल अक्षर बोलता तो हम हिरण्यगर्भ, परंतु पर परत अक्षर एक विषय की दोनों पंचमी है, परत अक्षरात पर मतलब एक पर अक्षर है, अक्षर से भी पर, पर है, हाँ, एक अक्षर हो गया सामान्य अक्षर हो गया आपका हिरण्यगर्भ, उससे परे जो अक्षर हो गया ईश्वर, उससे परे जो हो गया निर्विशेष अक्षरात परत, समझ आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक दूसरी बात क्या है, सबाह्य अभ्यंतर ही अजह, वो बाहर अभ्यंतर से मतलब कार्य कारण भाव उसी का अंदर दिखाई देते हुए भी वो जन्म से रहित है, सबाह्य अभ्यंतरो ही अजह, ठीक है ना, बाह्य हो गया कार्य, अभ्यंतर हो गया कारण, सबाह्य का, अब देखिए वो क्या हो गया कि दोनों दिखाता है, एक ही वस्तु वो कार्य कारण भाव में दिखाई देने पर भी उसमें कार्य कारण भाव नहीं है, इसलिए अजह। दूसरा तीसरा, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी मन सब वापस आ जाता है, ये किसको बोलते हैं, सविशेष ब्रह्म को तो वाणी मन के तरह बोला जाता है, वाणी का विषय बनते हैं, ईश्वर शब्द की तरह बोलते हैं, फिर तो जहाँ से वाणी मन जिसको प्राप्त नहीं करते हुए वापस आ जाते हैं, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मन, और फिर अंतिम में जो हमारे पास सबसे अच्छा शब्द है, तथा तो आदेश नेति नेति नई, मतलब मूर्ता मुक्त ब्राह्मण में सबसे स्पष्ट करके कहा गया है, मूर्ता मुक्त ब्राह्मण में वृंदावन द्वितीय से तृतीय ब्राह्मण, मूर्ता मुक्त ब्राह्मण वहां पर क्या लिखा है कि पहले तो ये मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से जो भी कुछ बना हुआ पंचमूर्ति का सारा नहीं है, निषेध कर दो तब भी उसका अर्थात न अन्न परमस की, उस तत्व को समझाने के लिए इससे अच्छा कोई उपदेश नहीं हो सकता और इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं हो सकता, इसलिए अर्थात आगे लिखता दिना बीजत्व अपनयने, ना देखिए इसमें क्या किया, वो जो बीजत्व धर्म था पहले बीज के साथ दिखाया, फिर श्रुति अपने आप क्या करते बीजत्व का निषेध कर दिया, बीजत्व का निषेध करते हैं तब क्या हो जाएगा, शुद्ध ब्रह्म बीजत्व अपनयन व्यापदेश है ना, उसका उपदेश करते हैं। हम देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, वो जो पद आया है ना अक्षरात परत पर, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, अक्षरम अव्यक्तम तच्च अक्षरम अव्यक्तम तच्च कार्य अपेक्षया परम, ठीक है ना, अक्षर कौन हो गया यहाँ पे, अव्यक्त ईश्वर अंतर्यामी, ठीक है ना, हाँ अक्षर क्या हो गया यहाँ पे, पहला जो अक्षरम, अक्षर मतलब क्या हो जाएगा ईश्वर, अव्यक्तम, इसलिए अव्यक्त माया भेद से ही तच्च कार्य, वो अपना कार्य का अपेक्षा श्रेष्ठ है, हिरण्यगर्भ का श्रेष्ठ है, तच्च कार्य अपेक्षा हिरण्य अपेक्षा परम, इसलिए परत अक्षरात् अक्षर, समझ में आया, भाष्यकार यही अर्थ किया, भाष्यकार शब्द उद्धृत करते हैं यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं अक्षरम अव्यकृतम तच्च कार्य अपेक्षा है परम, अपने जो कार्यात्मक है उससे श्रेष्ठ है, तस्मात् पर अयम परमात्मा, उससे भी पीछे ये परमात्मा शुद्ध चित्त, तस्मात् पर कौन, वो पंचमी है वहाँ पे, परत अक्षर तस्वीर प्रत्यय पंचमी अत्र है वहाँ पे, परत अक्षर पंचम उससे पर परमात्मा निर्विशेष, ठीक है, अक्षरात् परत पर सही कार्य कारणाभ्याम अस्पृष्ट वर्तते, वो क्या होता है, कार्य कारण से रहित होकर के विद्यमान रहता है, कार्य कारण वहां पे दिखाई पड़ता है परंतु कार्य कारण भाव से रहित है, यही सबसे बड़ी परेशानी है, दिखाई पड़ रहा है वहां पे सर्प रज्जु तो सर्प दिखाई पड़ रहा है परंतु सर्प वहां पे तीनोकाल में है, दिखाई पड़ रहा है वहां पे पानी प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं परंतु पानी वहां पे तीनोकाल में है मरुभूमि में, यही चीज यहाँ पे बोलना चाहता है, सही कार्य कारणाभ्यम अस्पृष्ट वर्तते, ये हो गया आपका पहले का अर्थ मतलब अक्षरात् परत पर, दूसरा क्या था, सबाह्य अभ्यंतरो ही अजह, ठीक है, उसको देखो लिखते हैं, बाह्य मतलब कार्य, बाह्य हो गया क्या, कार्य बाहरी स्थूल वस्तु कार्य, और आप अब देखो ये जो कि हम लोग सत्कार्यवादी है, ठीक है ना, घर कहाँ रहते हैं, मृतिका, तो मृतिका से बाहर घर आया मतलब इसलिए उसको स्पष्ट रूप में देखिए, इसलिए बाह्य मृतिका में विद्यमान रहने वाला घर मृतिका से बाहर आकर घर आ जाए उसको बाह्य, और कारण हो गया मृतिका, इन दोनों से रहित है, उसके बोलते हैं बाह्यम कार्यम आभ्यंतरम कारणम
बाह्य अभ्यंतर ही कारण हो गया। ताभ्यं सह तत्कल्पना अधिष्ठानत्वेन वर्तमान स्थित उससे जो परे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बाह्यं कार्यं अभ्यंतरं कारणं, बाह्य हो गया कार्य, अभ्यंतर हो गया कारण। ताभ्यं सह उन दोनों के साथ विद्यमान रहते हैं। ताभ्यं सह तत्कल्पना अधिष्ठानत्वेन, उस कार्य कारण भाव की जो कल्पना है उसके अधिष्ठान के रूप में जो विद्यमान रहता है। ताभ्यं सह अधिष्ठानत्वेन वर्तमान, कौन है वो? चित धातु को चेतन सत्व धारणा धातु, जो कार्य कारण भाव नहीं है उसको धारण करके रखा है, तो जो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं, देखिए किसका अर्थ कर रहे हैं, स्वाह्य अभ्यंतर अज, बाह्यम कार्यम अभ्यंतरम कारणम, ताभ्यम सह, ताभ्यम शब्द उन दोनों के साथ स शब्द का अर्थ कर दिया, ताभ्यम सह, है ना। तत्कल्पना अधिष्ठान, मतलब कार्यकरण भाव की कल्पना के अधिष्ठान के रूप में वर्तमान है, जो कौन है वो? चित धातु चेतनमय धातु, मतलब धारणा धातु, जो सबका अधिष्ठाता है। तथा चित धातु अज, इतना होते हुए भी वो चित धातु कैसे है? जन्म से नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई परिणाम होना संभव नहीं है। जन्मादि समस्त विक्रिया शून्यते न, जन्म आदि समस्त विक्रिया से रहित होने कारण कूटस्थ नित्य वस्तु है। कूटस्थ परिणामी नित्य नहीं है, सांख्यवादी की प्रकृति की तरह कूटस्थ नित्य वस्तु है। इसलिए हमें बोलते हैं कि तथा चित धातु जन्मादि समस्त विक्रिया शून्यते न कूटस्थ, श्रुति स्मृति और व्यापदिश, श्रुति और स्मृति में इसका व्यापदिश किया जाता है कूटस्थ नित्य के रूप में। ये होगा दूसरे का अर्थ, कौन सा? स्वाह्य अभ्यंतर ही अज, ठीक है। अर्थात क्या था? जतो वाच्य निवर्तन थे, ठीक है। जतो वाच्य उसका अर्थ करते हैं, देखिए, जतो ब्रह्म न सकाशा, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म से वाच्य सर्वा मनसा सह समस्त वाणी, जितना वाणी जितना जितना बोल सकता है वो सभी वाणी के विकार मन के सहित मनसा सह, इस सर्वा का अन्वय किसके साथ होगा? मन के साथ की वाणी के साथ? पंक्ति को तो देखो तब तक पता रहेगा। जत ब्रह्म न सकाशा अप्राप्य निवर्तन्ते, ये सर्व का अर्थ किस साथ करेंगे? नहीं, इसलिए तो मैं पूछा, यहीं पे गड़बड़ दिखता है, क्योंकि मन शब्द न्यूट्रल जेंट है, मनसा तृतीया में है और सर्व तृतीया में है क्या? यदि सर्व शब्द होता है, सर्व शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहते हैं, तृतीय एक वचन में कैसे बोलेंगे? सर्व शब्द सर्वाधिगण के हैं, तो उसको यदि आप तृतीय एक वचन में प्रयोग करना चाहते हैं, मनुष्य तृतीय एक वचन है, तो क्या कैसे प्रयोग करना पड़ेगा आपको? सर्वया, हाँ। इसीलिए स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो वाच वाच प्रथम वो वचन वाक वाचो वाच, इसी प्रकार हाँ सर्वा सर्वे सर्वा सर्वा सर्वे सर्वा रमा रमे रमा सारा वाणी, हाँ सारा वाणी। इसलिए कि जतो ब्रह्म न सकाशात वाच सर्वसम, जिससे जिस ब्रह्म से सम हर प्रकार की वाणी, मतलब शब्दों के द्वारा बोला जा सकता है कितना भी शब्द, और मन के साथ, मन को उसको नहीं समझ पाता, अवकाश अप्राप्त उसके वहाँ उसके अवकाश को प्राप्त नहीं करते तो वह वापस आ जाता है, उसको मतलब बोल नहीं पाते, मन ग्रहण नहीं कर पाते, वाणी कहाँ से उठेगी? निवर्तन्ते तद ब्रह्म आनंद रूपम विद्या न विवेति, आनंदम ब्रह्म न विद्या न विवेति कुतश्चन, उसी को आगे जोड़ दिया, इस निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को जान करके वो विद्वान व्यक्ति कभी किसी से डरते नहीं, इनको निर्भय हो जाते हैं। ये हो गया आपका या तो वाचन निवर्तन देते हैं, इतनी उपनिषद कहेगी। अच्छा फिर आया हुआ है अर्थात तो आदेश नेति 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 इति भिप्षया, भिप्षा मतलब व्याप्तम इच्छा भिप्षा, व्याप्तम इच्छा भिप्षा, सबको घेरने की इच्छा है, उसका तृतीय एक वचन भिप्षया इच्छा से, ठीक है। भिप्षा शब्द का तृतीय एक वचन भिप्षा से, अच्छा नेति नेति इति भिप्षया सर्वम आरभितम अपाक्रियते, सबको सबको निषेध करने की इच्छा से जितना आपने उसके ऊपर आरोप किया था सारा निषेध कर उसको निषेध किया जाता है। आरोप कहाँ से है हमारा? नीचे जितना है सारा आरोपित है, सारा आरोपित है, नीचे जितना भी आ जाए। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि हम मांडू को कारिका पढ़ रहे हैं, अन्य जगह पे होता था हम बोलते हिरण नगर हूँ,
परंतु यहाँ पे तो ईश्वर तक है आरोपित मतलब क्या है उसके ऊपर धर्म का आरोप किया गया है। हाँ परंतु क्या है वस्तु है परंतु कोई धर्म नहीं है, ये है वस्तु की भीषणता। इसलिए बताया नीति नीति विषय सर्वम आरोपितम अपना समस्त आरोपित को वहाँ पे निराकरण किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए भगवान इतना भाषण इतना बोलने के बाद नीति नीति इत्यादिना इन इन बातों के द्वारा वहाँ पे आदि लगा दिया है। आदि से क्या ले गया और ये वाक्य है ना आदि से बीजत्व अपने बीजत्व निराकरण किया गया है इस वाक्य के द्वारा। तो वहाँ पे आदि से क्या लेना है तो बोलते हैं आदि शब्द देना ठीक है में आदि शब्द ना तो जो जाग्ञवल करमिन खुद अक्षर गार्गी आकाश अक्षर का लक्षण बताओ बताओ अथवा क्या जब तक अदृश्य मक्रोत्र मुंडक उपनिषद मुंडक उपनिषद जब तक अदृश्य मक्राय जमागोत्र चुश्रोत्र पानी पादम मुंडक उपनिषद में आया ये जो निषेधात्मक बात को जहाँ पे जितना आया हुआ उसे आपने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया एक गुण उपसंहार न्याय लगा दो यहाँ पे है ना। तो इसलिए आप बोलते हैं आदि शब्देन अस्थूलादि वाक्यम गृहत अस्थूलादि वाक्य को वहाँ पे ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से क्या हो गया बीजत्व निराशेन शुद्धम ब्रह्म व्यवदिष्यते चेत। इस प्रकार से शब्द प्रयोग किया तो बीज के साथ ही परंतु बाद में इसलिए शुद्धि को वहाँ पे बीजत्व को निषेध करना पड़ता है शुद्ध ब्रह्म की बोध होता है। इसलिए बोलते हैं बीजत्व निराशेन शुद्धम ब्रह्म व्यापदिश्यते चेत बीजत्वम सबलस्य एव इति सिद्धति। इसलिए क्या हो जाएगा कि बीजत्व को निराश करके शुद्ध ब्रह्म को बोध कराता है यानी कि बीज कहाँ बैठा हुआ है सबल ब्रह्म में बैठा हुआ और उसी को प्राण शब्द के द्वारा बोला जा रहा है उसी को प्राण शब्द के द्वारा। इसलिए प्राण शब्द में अव्यक्त शब्द की जगह प्राण बोलने से कोई दोष नहीं होता। अब ये शुद्ध ब्रह्म आपने कहाँ से लाया है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा छठा मंत्र का इसे सर्वेश्वर आपने फिर यहाँ से शुद्ध ब्रह्म कहाँ से लाया आपने अब अभी तक विचार किसको चल रहा था मतलब बीज सहित ब्रह्म के बारे में कथन कर रहे थे आप बोल रहे कि बीज सहित ब्रह्म को बीज का निषेध करके शुद्ध ब्रह्म को उपदेश किया जाता है श्रुति में। यहाँ पे तो अभी तक श्रुति कहे नहीं और नमांडू को कार्यकाल ने कहा ऐसा तो आपने कहाँ से लाया आपने कहाँ से लाया इसको पकड़ने के लिए बिल्कुल गुणवादी बैठे हुआ है। तो बोलते हैं आचार्य जी ने अनुतत्व नाश यहाँ पे बांटू को कारिका कारण ने बोला और नश्रुति ने बोला आचार्य के द्वारा एक कथन है कारण अतिरिक्त शुद्ध ब्रह्म अस्ति न अस्ति है। देखिए न हम यहाँ कह रहे हैं आचार्य जी ने अनुतत्व न ठीक है ना मेरा पंक्ति में नकार मिला तो आचार्य ने अनुक्त आचार्य के द्वारा कथन नहीं किए जाने के कारण कारण अतिरिक्त शुद्ध ब्रह्म न अस्ति पंक्ति लगी ना क्योंकि समझ ठीक है आचार्य के द्वारा तो यहाँ पे शुद्ध ब्रह्म के बारे में कहा ही नहीं कि तुमने कहाँ से लाया जी इसे शुद्ध ब्रह्म ऐसा है ही नहीं ऐसा शुद्ध ब्रह्म है ही नहीं ऐसा कोई कहता है कि आशंक तब बोला अरे रुको रुको भाई अभी तक हमारे उपनिषद का 12 मंत्र पूरा नहीं हुआ अभी तो 6 मंत्र बना तुमने अभी आगे नंत प्रगण बहिष्प्रगण भयत प्रगण सातवां मंत्र आ रहा है सातवां मंत्र आ रहा है बोलो शनाई। इसलिए बोलता है न अंत प्रज्ञ इत्यादि वाक्य शेषा की आगे ऐसा वाक्य आ रहा है इसको मन में रखते हुए आप ऐसा नहीं कहना कि कहीं पर शुद्ध ब्रह्म के बारे में कथन नहीं है श्रुति अपने आप सब निषेध कर देंगे। यहाँ पे जो जागृत स्वप्न सुषुप्त में बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ भयत प्रज्ञ बीज का प्रज्ञ कुछ भी नहीं है सब निषेध कर देंगे आगे। इसलिए सातवां मंत्र है ये अंत प्रज्ञ इत्यादि बात को शेषाद इस प्रकार बात को आगे आने वाले हैं। इसलिए मैं भी मतलब ये नहीं कहना कि शुद्ध ब्रह्म है ही नहीं शुद्ध ब्रह्म है ना उसने क्या बोला इस प्रकार निर्गुण निराकार विशेष ब्रह्म नहीं है ऐसा शंका नहीं करना श्रुति आप तक तुमने पूरा पढ़ा ही नहीं आगे ही आने वाले हैं। अब फिर ऊपर भाष्य में आ जाइए ताम अबीज अवस्था तस्य एव प्राग्म शब्द वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहितां पारमार्थिके पृथक वक्ष्यति ताम अबीज अवस्था वो जो बीज रहित अवस्था है वो किसका है वो जो बीज रहित अभी तक आपने कहां तक पढ़ा जिसको प्राग्म अथवा ईश्वर शब्द के द्वारा बोला जा रहा है जिसमें बीज दिखाया जा रहा है वो वास्तविक बीज रहित है ठीक है ना। ये ताम अबीज अवस्था उस अबीज अवस्था को
जिसको देखा गया वही बीज रहित अवस्था भी है, इसीलिए बोलते हैं ताम अबीज अवस्थाम तस्व, क्योंकि जो क्योंकि एक एव त्रिधा देह व्यवस्थित पांच शुरू के विश्व तेजस प्राग्ञ और वही बीज रहित अवस्था भी है, ठीक है वो सूत्र बोले गया, इसलिए आगे बोलते हैं ताम अबीज अवस्थान तस्व प्राग्ञ शब्द वाच्य, कौन है वो जिसको प्राग्ञ शब्द के द्वारा कहा गया है, जिस विश्व को तेजस के माध्यम से प्राग्ञ तक ला करके खड़ा कर दिया, श्री है ना पद्धति अन्य पाद इसके माध्यम से ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया आपको, तस्व प्राग्ञ शब्द वाच्य तुरीयते, अब तब क्या हो गया बीज रहित अवस्था में देहादि संबंध रहता शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के संबंध से रहित है, इस प्रकार से पारमार्थिक ही ये इसका पारमार्थिक स्थिति है, पृथक वक्षति अलग करके श्रुति कहेगी पारमार्थिक परमार्थिक परमार्थिक है पृथक है ना, वो परम दृष्टि पा मतलब होना चाहिए था ना पारमार्थिक ही होना चाहिए था, मतलब पारमार्थिक वहाँ पे पारमार्थिक परमार्थ और उसका ठक प्रत्यय हुआ है, अब वहाँ पे क्या हो गया कि ठन प्रत्यय नहीं है ठक प्रत्यय हुआ, फलत आदि अस्को वृद्धि नहीं किया ठय प्रत्यय ठक लगता है दोनों ठक में ठस्य एक होता है, तो पारमार्थिक हमारे पुस्तक में पारमार्थिक ही लिखा हुआ है, परंतु एक्चुअल पारमार्थिक होता तो अच्छा था पारमार्थ संबंध रखने वाला, ऐसे भी है क्योंकि ठक प्रत्यय तो दिखाई दे रहा है और उसके लिंग क्यों बोल रहे अवस्था को लेकर बोल अवस्था से लिंग होते हैं पारमार्थिक है ना पारमार्थिक, ठीक है यहाँ पे ताम बीज अवस्था तस्व प्राग्ञ शब्द वाच्य उसी प्राग्ञ जिसको विश्व रूप में कहा गया अब प्राग्ञ तक ला के खड़ा कर दिया उसी को वो बीज रहित अवस्था कौन सा अवस्था तुरीय अवस्था, इसलिए तुरीय तेना देहादि संबंध रहता अवस्था अवस्था का विषय है ये ताम अवस्था से देहादि संबंध से रहित है उस अवस्था को परमार्थिक पृथक बक्षति है ना वही पारमार्थिक स्थिति है इसको अलग करके श्रुति कहेगी, अच्छा ताम अब यहाँ पे टीकाकार बोल रहे हैं आगे देखिए टीका के लास्ट में उक्त न्यायेन इस पन्न में उक्त न्यायेन वस्तु वस्तु व्यवस्थायां अव्यक्तस्य देहे अनुभव अभावा त्रिधा देहे व्यवस्थित इति कथम उक्तम, अब देखिए क्या बोल रहे हैं आपने क्या प्रतिज्ञा कर कहे थे आपको इसी शरीर में आपको किसका बोध होगा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मतलब आपका स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का बोध आपको हो गया यहाँ पे, अब यदि ये तीन रहित है आप इस तीन से रहित आप कहाँ बोध करेंगे शरीर में बैठ करके मैं तेरे तीन से रहित हूँ मैं शरीर रहित हूँ ये कैसे हो सकता है, शंका उठा रहे परफेक्ट जगह पर आपने खड़ा कर दिया, आपने क्या बोला कि इसके बाद आपको क्या कहेगा ये तीनों शरीर से रहित है, आपने पहले प्रतिज्ञा क्या किया कहाँ बैठ कर अनुभव करना है आपको शरीर में रह करके अनुभव करना है शरीर है और शरीर शरीर से रहित हूँ मैं, क्या विचित्र स्थिति हो सकता है बताइए शरीर में बैठ करके मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से रहित हूँ ये भय समझ करना है तब आपको यह क्योंकि शुद्ध बोलूँ तो आपको सामने विषय रूप में आएगा नहीं आएगा तो सामने विषय रूप में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञान अज्ञान जो भी है परंतु वो जो है इससे रहित मैं ये कैसे शरीर में रहते रहते समझ में आ सकता है ये शंका उठा रहे हैं उक्त न्यायेन जिस प्रकार से आपने यहाँ पे कहा इस युक्ति के बल पे वस्तु वस्तु व्यवस्थायाम आपने आत्म वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जागृत इसीलिए होता है अव्यक्तस्य देहे अनुभव अभाव तो अब इस अव्यक्त अवस्था को आप देह में अनुभव नहीं कर पाएंगे अब बीज अवस्था के सहित तो आपका देह दिखता है तो अव्यक्त यानी कि देह रहित हो तब जाके आप अव्यक्त हो देह रहित अनुभव कैसे करेंगे इसीलिए तो हमारे प्रजापति ऋषि इंद्र को कहते हैं भगवान सशरीरम वा वसंतना प्रिया प्रिया महति अस्ति अशरीरम वा वसंतना प्रिया प्रिय स्पृशत जीते थी यदि तुम शरीर के साथ तादात्म्य को छोड़ सकते हो तब तुम्हें प्रिय प्रिय स्पर्श नहीं करता शरीर रहेगा तब तो शरीर के साथ तादात्म्य का नहीं रहेगा यही अनुभव है तादात्म्य होता है आइडेंटिफिकेशन है कि मैं शरीर मनुष्य मात्र हूँ यही सबसे बड़ी परेशानी सबसे अंतिम प्रतिबंधक यही है बाहरी वस्तु छोड़ना आसान होता है बाहरी वस्तु से पीछा छोड़ जाना परंतु इससे पीछा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है जितना पीछा छोड़ने का कोशिश करेंगे उतना समय से पीछे और पीछे पड़ जाएगा
यहाँ पे बहुत सुंदर प्रतिज्ञा किए थे यहाँ पे, क्या बोले थे कि जीवित अवस्था में बैठ करके आपको इसका अनुभव करना है, तो आप जिस अवस्था का अनुभव करने के लिए बोल रहे हो कैसे हो सकता है वो, आप उसको उत्तर देंगे है ना। उक्त नयन वस्तु व्यवस्थायाम अव्यक्त से देह अनुभव अभाव तिथा देह व्यवस्थित है, कथम उक्तम, मांडू ने कैसे बोल दिया तिथा देह व्यवस्थित है, कैसे कैसे इति आशंका हो, अब उसको उत्तर बोलते हैं बीज अवस्था भी न किंचित अभिदिशन इति उत्थित प्रत्यय दर्शन। अब तक क्या हो गया कि जो बीज अवस्था तक आप समझ सकते हैं, क्यों आप उठ करके स्वयं बोलते हैं सुखम अपसापम न किंचित अभिदिशन, ये कौन अनुभव करता है, अज्ञान जीव तो अनुभव करता है, परंतु सुषुप्ति काल में अनुभव नहीं करता तो सुषुप्ति उठ करके बोलता है, यानी कि बीज अवस्था तक आपके शरीर में ही बोध हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बीज रहित स्थिति है वो क्या है कि आप इसको निश्चित करते हो यहाँ तक हम मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं इनका दृष्टा हूँ, जागृत में बैठ कर के होना संभव, सुषुप्त में तो होना संभव नहीं है, इसीलिए आप बोलते हैं कि बीज अवस्था भी न किंच, ये बीज अवस्था को समझ में आता है अवेदिश इति उत्थित प्रत्यय दर्शना, मतलब सुषुप्त से वो उठा हुआ व्यक्ति को ऐसा प्रत्यय होते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। अब आपने सोया नहीं, आप अपने सोया नहीं, जागृत में बैठ करके आप सुषुप्ति तक निषेध कर रहे हैं, तो ये जो आपका जागृत है ना, वो जागृत क्या करेगा, बीज अवस्था को जला देगा, बीज अवस्था को जला देगा। इसलिए आप बोलते हैं उत्थित प्रत्यय दर्शन देह अनुभूयते एव शरीर में ही इसका अनुभव होता है, शरीर रहते रहते ही क्या होता है, शरीर के साथ तादात्म्य होता है, जैसे जैसे विचार दृष्टि आपके खुलते जाएगा, जैसे जैसे आपका मतलब कि मन आत्मनिष्ठ होता जाएगा, उतने ही धीरे 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 शरीर के साथ तालमेल होता है, इसीलिए बोलते हैं अनुभूयते एव, देखिए यहाँ पे एव का लगातार भाष्यकार बोलते हैं निश्चित ही इस जीवित शरीर में ही उसका अनुभव होता है और कहीं दूसरी जगह पर नहीं हो सकता, और इस मनुष्य शरीर में सबसे अधिक सुविधा, सबसे अधिक सुविधा है, इसीलिए यहाँ पे मानव को कार्यकार ने जो कहा व्यवस्थित है और जीती जी इस शरीर में आपको अनुभव होगा, कैसे अनुभव होगा कि आपको जो है बीज अवस्था तक सभी को समझ में आता है, बीज रहित मैं हूँ वो थोड़ा साधन की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है, इस अभिप्राय से बोलना समय भी होगा, ठीक है। पर लंबा समय से चल रहा था ये चीज जो कैसे आप जाके भगवान भाष्य करके इस प्रतिज्ञा को नहीं भूलना, क्या बोला कि जागृत अवस्था में बैठ करके मांडू को कार्य करके विशेषता है पूरा स्पष्ट दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मन संतस्त तेजस आकाश चढ़ेगी प्रज्ञा त्रिधा देह है ना, कि ये दक्षिणाक्ष में बैठ करके हमारा विश्व व्यवहार करते हैं, इसको आप जागृत में बैठ करके आप कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए मांडू को कार्य कर एक और आपको गाइडलाइन देंगे अगला दूसरे भाष्य अगर अधिक नहीं लिखा पर उसके अंदर छुपा हुआ क्या है वो आपको समझना है कि जागृत काल में हम कैसे व्यवहार करते हैं स्थूल वस्तु के साथ और स्वप्न काल में प्रविधिक्त हो कुछ विशेष और सुषुप्ति काल में केवल आनंद, ये क्या वस्तु है इसको यहाँ पे केवल वो भाष्य का मान लो कार्य करके कहना चाहता है उसका अगला श्लोक में बताएं तृप्ति कैसे होते हैं वो अगला श्लोक तब आपको समझ में आ जाएगा। ओम अच्छा आज तीसरा वाला बोलना है यज्ञालोकाभासा प्रतिहति अगम शांतस्तमोहांधकारो मज्जोन्मज्ज घोरे अशक्ति उपजन उदन्वति त्रासने मे यत्पादावास्कितानां श्रुतिसमभिनय प्राप्तिरग्राह्य मोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनदौ सर्वभावैर्नमस्ते।